अच्छा, नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों को पहले मैंने एक लेक्चर पहले क्या किया था, कुछ भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया था, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था, रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। तो हल्का सा 5-7 मिनट के लिए उनको रिपीट करते हुए मैं नेक्स्ट आगे टॉपिक पर चलूंगा। तो सबसे पहले था आप लोगों का भौतिक परिवर्तन था, ठीक ना। एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान पाए जाते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ फिर बताया, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बर्फ है, उसको गर्म किया जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगी, जल को पुनः गर्म करेंगे तो आपके पास में वाष्प का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले ठोस अवस्था में थी बर्फ, फिर उसको द्रव अवस्था में बदला, उसके बाद गैस में बदला, लेकिन रासायनिक संघटन यहाँ पर सभी का जल H2O 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 है। अतः रासायनिक संघटन अपरिवर्तित है, रासायनिक गुण अपरिवर्तित है, भौतिक अवस्था परिवर्तित है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहलाए। उसी के साथ बताया था आपको नौसादर का ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है, लोहे का चुंबक बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है, शक्कर का पानी में विलय होना भी एक भौतिक परिवर्तन है। फिर आप लोगों को बताया मैंने भौतिक परिवर्तन के गुण। तो अभी कुछ समय पहले मैंने अभी बोला था कि भौतिक गुण रंग अवस्था गंध में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का कारण यदि हटा दिया जाता है तो ये पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से जब ये पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये परिवर्तन अस्थायी कहलाता है। तीसरी बात आती है अपने पास में, यहाँ से नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। कौन से पदार्थों का निर्माण नहीं होता है? नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, नए प्रकार ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा। उसके बाद आप लोगों को बताया था मैंने रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या कहा था आप लोगों का, वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन दोनों में परिवर्तन हो जाता है और एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन है, कोयला है, उसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, तो ये कहलाए आपका एक रासायनिक परिवर्तन। अगर दूध को आप जमाओगे तो दही बन जाएगा, और दही से वापस से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है ये एक तरफ अभिक्रिया होती है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे पे जंग लगना, वो भी कैसा परिवर्तन कहलाया? रासायनिक परिवर्तन कहलाया। अब पहले भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे, इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। इसमें क्या बताया था, इसमें रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन होता है। अगर मैं थोड़ा सा वापस से इनके ऊपर रासायनिक परिवर्तन से भौतिक में बताया था कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है भौतिक में, लेकिन रासायनिक में नहीं होता। वहां पर ये बताया था ये कैसा था अपने पास में, परिवर्तन अस्थायी था भौतिक, लेकिन रासायनिक कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। फिर बताए थे उससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद में यस था सर। आपका रासायनिक समीकरण, क्या थी बेटा? रासायनिक समीकरण इस रासायनिक समीकरण में आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है रासायनिक? अभिक्रिया अभी जो अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है, उन पदार्थों को यदि अणुसूत्र और प्रतीक से लिख दिया जाए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए आप अपने पास में, मान के चलो आप ये खुद बताओ थोड़ी देर के लिए कि आप लोग सुबह भोजन ग्रहण किया कि नहीं किया। सुबह हमने क्या किया बेटा? भोजन ले लिया। भोजन यस ग्रहण की जब आप लोगों ने किया है तो इसका मतलब है अब वो भोजन कहाँ चला गया? पेट में चला गया, ठीक है।
अब ये बताओ कि आपके पास में जो भोजन लिया है ये एक अभिक्रिया कहलाई, ठीक है ना। भोजन ग्रहण करना भी आप लोगों की क्या कहलाई, अभिक्रिया कहलाई। लेकिन क्या अपने पास में अभिक्रिया अगर आपसे कोई पूछता है तो वापस शरीर कैसा परिवर्तन है, ये भी आप लोगों का एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि कहता है भोजन में जो आपने पदार्थ लिए हैं, रोटी लिए है, सब्जी लिए है, उनको और जो आपका उत्पाद बन रहा है उनको यदि अणुसूत्र और प्रतीक के द्वारा लिख दिया जाए तो वो कहलाएगी आप लोगों की रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक समीकरण। है। अब आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जैसे आपके पास एक रिएक्शन का निशान नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। उसी के साथ में अब ये बताओ जो रिएक्शन का निशान, ठीक ना बेटा, ये साइड में आवाज आ रही है, थोड़ा सा बंद करो। अब मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपके पास में जो तीर का निशान है, किसका निशान है बेटा? तीर का निशान है वो कहलाता है अभिक्रिया का निशान। किसका निशान कहलाता है? अभिक्रिया का निशान, ठीक है ना। अच्छा अंशु आप म्यूट हो जाओ बेटा, उसके बाद में अब मैं नंबर ले रहा हूँ। पहले किसका? अनमोल का। अनमोल आ जाओ, अनमोल। यस सर। अच्छा अब बेटा जो आपके पास में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रेड स्पॉट से शो कर रहा हूँ आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये कहलाया बेटा आप लोगों का अभिक्रिया का निशान। किसका निशान है ये? अभिक्रिया। इस अभिक्रिया निशान से जो पहले लिखे जाते हैं, पहले ये पहले क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक और बेटा बाद में क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद। अच्छा तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले बाई ओर लिखे जाते हैं, क्या बोला? वे पदार्थ जो अभिक्रिया निशान से पहले अभिक्रिया तीर के निशान से पहले बाई ओर लिखे जाते हैं। तो उन्हें आप क्या बोलोगे, क्रियाकारक बोलोगे या उत्पाद बोलोगे? क्रियाकारक। अच्छा और बाद में लिखे जाते हैं तो बेटा क्या बोलोगे? उत्पाद। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है वापस से देखिए कि जो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसमें आप महसूस करो ये किसका निशान है, क्रिया अभिक्रिया का। अभिक्रिया से पहले क्या आते हैं बताओ जरा, क्रियाकारक अभिक्रिया के बाद क्या आते हैं? उत्पाद। यहाँ क्रिया कारक कौन है, क्रिया कारक बताओ दिखा, ए बी ए। यहाँ उत्पाद कौन है? अच्छा यहाँ पर बेटा क्रिया कारक और उत्पाद की जो संख्या है क्या बोलो मैं? क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या अच्छा क्रिया कारक और उत्पाद की संख्या कितनी है, एक एक या एक से दो, अधिक एक है? एक एक ही है। क्रिया कारक और उत्पाद की संख्या कितनी बताई आपने? एक है। एक अगर मान लिया जाए क्रिया कारक और उत्पाद की संख्या बेटा एक से अधिक आ जाए, क्या जाए? एक से अधिक। अच्छा मैं वापस से बोलना चाहूंगा, आपको स्क्रीन पे पुनः नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर ये निशान किस चीज का है, अभिक्रिया का अभिक्रिया से पहले क्या आते हैं, क्रियाकारक अभिक्रिया के बाद क्या आते हैं, उत्पाद। यहाँ अभिकारक कौन कौन है? एबीसी उत्पाद कौन है बेटा? डीई अच्छा मैंने क्या बताया था, अगर एक से ज्यादा क्रिया कारक और उत्पाद पाए जाते हैं तो उनके बीच में किसका निशान लगाएंगे? अभिक्रिया तीर नहीं, उनके बीच में निशान कैसा लगाएंगे, का प्लस का निशान या माइनस का निशान? यस सर। प्लस का निशान लगाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा उसी के साथ नीचे एक एग्जाम्पल और दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। देखो ये किसका निशान है, मैंने जो इसके ये वाला,
अभिक्रिया का इससे पहले क्या लिखे जाते हैं, क्रिया कारक बाद में क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद यहाँ पर क्रिया कारक कौन कौन है, C+O2। सी और ओ टू है, लेकिन ये बताओ एक से ज्यादा क्रिया कारक है या एक ही है, एक से ज्यादा है प्लस। इनके बीच में कैसा निशान लगाओगे, प्लस। और उत्पाद आपके पास में एक एक उत्पाद है, एक से ज्यादा है, एक तो इसमें कोई प्लस लगाने की जरूरत है क्या। नो सर। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से, पहले रिएक्शन के बाद अच्छा वापस से आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या महसूस करोगे आप लोग, ये बताओ ये किसका निशान है, अभिक्रिया क्रिया अभिक्रिया से पहले बेटा क्या होते हैं, कारक अभिक्रिया के बाद क्या होते हैं। उत्पाद अच्छा यहाँ पर अपने पास क्रिया कारक एक है या दो हैं, दो हैं, दो हैं। अच्छा उत्पाद कितने हैं, दो हैं प्लस तो इनके अणुओं के बीच में कैसा निशान लगाओगे, क्रिया कारक और उत्पाद के अणुओं के बीच में। प्लस का। अच्छा अब मेरा अगली बात सुनना, हमेशा जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है उनको संतुलित करके लिखा जाता है, क्या करके लिखा जाता है, संकलित करके अच्छा बेटा संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, सुनो अगली बात है, तीर के निशान अर्थात अभिक्रिया के निशान के पहले और बाद, तो पहले वाले क्या कहलाते हैं, क्या सर, तीर के निशान से, पहले हाँ पहले वाले क्या वाले अभी क्रिया अभिकारक कहलाते हैं, क्रिया कारक कहलाते हैं, और बाद वाले। अच्छा उत्पाद सुनना, तो ये कहता है क्रिया कारक में कुल परमाणुओं की संख्या उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या के समान होनी चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। समान। अच्छा अब आपके पास में मैं हाइलाइटर से स्ट्रेस डाल रहा हूं, ये बताओ यहाँ पर जो आपके पास जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखो देखा ये कितने हैं कार्बन, तीन तीन। अब रिएक्शन के बाद आओ बेटा, उत्पाद में कितने कार्बन है, तीन या एक। एक ही अच्छा तो ये संतुलित है या नहीं है, नहीं है। अच्छा मैंने क्या बोला, इसको संतुलित करोगे या नहीं करोगे, यस सर। एक मेरी भाषा और सुनना कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं, बाकी परमाणुओं को। पहले संतुलित करते हैं। अच्छा तो इसका मतलब कार्बन को पहले करूं, तो यस सर। बताओ सीओ टू के आगे कौन, क्या लिखूं मैं, थ्री। थ्री तो ये आपने बोला और मैंने लिख दिया थ्री। अब बताओ यहाँ कार्बन संतुलित हो गए कि नहीं हो गए बेटा। सर। अच्छा अब मैं हाइड्रोजन पे जाता हूँ, किस पे जा रहा हूं। हाइड्रोजन पे हैं अच्छा अब आप ये बताओ कि आपके पास जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर आठ। आठ है। अच्छा और क्रियाकारक में और भी है या बस आठ ही हैं, कारक में आठ ही हैं, अच्छा अब आ जाओ उत्पाद में, उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है बेटा, दो ही हैं। दो है, तो अब बताओ आठ कब बनेंगे, जब कितने से मल्टीप्लाई करूं, चार से। यस कर दो चार से मल्टीप्लाई, सर। ये कर दिया चार से मल्टीप्लाई। ठीक है अब ये बताओ अपने पास हाइड्रोजन में आगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, किसकी संख्या बोल रहा हूं मैं आपको, की हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ठीक है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है ये बोलो दिखा, कहाँ पर सर? सर क्रिया कारक में, ये तो ऑक्सीजन है, दो सॉरी यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी बेटा, क्रिया कारक में, है सर। क्रिया कारक में ऑक्सीजन की संख्या आपने बताई दो, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया दो, ठीक है ना। अब लेकिन ये बताओ उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, उत्पाद में
तो दो तीन है, नहीं, CO2 है, तो CO2 में O कितने हैं, दो लेकिन ये CO2 कितनी बार बार ये। हाँ CO2 एक बार है। मैं आपको बताता हूं, वापस से सुनो ठीक है, कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं ये बोल रहा हूं, नीचे देखो बोर्ड पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे बताओ ये क्या लिख दिया मैंने नीचे, CO2, अच्छा फिर से क्या लिखा बेटा, अच्छा CO2 तीन, फिर से क्या लिखा बेटा, CO2 सर तीन है। तीन बार है, सही हूँ गलत हूँ, यस सर, कहाँ पर है देखो, मैंने अब हाईलाइट यहाँ पर कर दिया उत्पाद में, मिला तीन बार ये ना, यस सर, इसका मतलब ये बताओ टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, क्या छह। हो गई, अब यहाँ पे आ जाओ उत्पाद में H2O, जो H2O ये H2 लिख दिया मैंने, H2O कितनी बार है, H2O कहाँ सर, चार H2O 4 बार। बार है, एक H2O में कितना ऑक्सीजन है बेटा, एक, एक है, और है कितनी बार, 4 बार, चार चार बार, तो इसमें बताओ कितने ऑक्सीजन मिले, यार, और CO2 में कितने मिले, चार CO वो छह, और छह और चार कितने हो गए, 10। दस, ये उत्पाद में है या क्रियाकारक में, उत्पाद में उत्पाद में, और क्रियाकारक में कितने बेटा, दो ही हैं सर, दो ही है, अब बताओ अपने पास में इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, पांच से, पांच से, कितने से मल्टीप्लाई करूं, पांच से। यस पांच से, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक सर, है, तो इस प्रकार से अब मैं इस पूरे इक्वेशन को क्लियर कर दिया और बैलेंस करके लिख रहा हूं अलग अलग एक एक करके, ठीक है ना, तो आपने बताया था सर, आपने सी को तो 3 से गुणा किया था, एच को 4 से किया था, और ओ को कितने से बता रहा है, ओ को 5 से। यस अच्छा तो संतुलित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर, अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ ठीक है ना, सुनो मेरी बात वापस से, ये बताइए कि सबसे पहले किसको का संतुलित किया, दिखाई दे रहा है मैंने अंडरलाइन कर दिया, कार्बन कार्बन तीन को यहाँ कितने से गुणा कर दिया, से, नो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अच्छा सर, अब कार्बन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया था बेटा, किसको किया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब देखो यहाँ पर कार्बन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया कि नहीं किया, यस सर, अच्छा हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, 4 से, अब उसके बाद किसको किसको किया बैलेंस, ऑक्सीजन को 5 से, ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई किया, कंप्लीट, यस ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हुई, सर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। यस अच्छा तो आप अभिक्रिया का निशान का मतलब समझ गए, सर, अच्छा और तीर के निशान से पहले कौन आते हैं, रिएक्शन के निशान से पहले किसे लिखते हो बेटा, क्रियाकारक, बाद में, उत्पाद, अच्छा क्रियाकारक और उत्पाद के अणु एक से ज्यादा है तो उनके बीच में कैसा निशान लगाओगे, प्लस का, प्लस का निशान लगाओगे, और बताओ क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान रखोगे अलग अलग रखोगे, संतुलित समान, यस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, सर, अच्छा अब बेटा बात आती है अगला पॉइंट है, अब ये जो अभिक्रिया है रासायनिक जो समीकरण है ये उन क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी बताती है, किसके बारे में बताती है, भौतिक अवस्था के बारे में। भाई उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी कैसी नहीं होगी, और भौतिक अवस्था को लिखने के लिए कौन सी अवस्था को लिखने के लिए, भौतिक अवस्था को अच्छा अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर दिया भौतिक अवस्था को कर दिया, यस सर, अच्छा अगर मान ले जाए वो पदार्थ कौन सी अवस्था में है ठोस, तो बताओ उसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एस सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, अच्छा और द्रव अवस्था में तो क्या लिखोगे, एल,
अच्छा गैस अवस्था में तो बेटा क्या लिखोगे? जी गैस गैस लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी भी प्रकार की? अच्छा नो सर। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, वापस से फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। ये बताओ ये किसका निशान है बेटा? अभिक्रिया का, अभिकारक अभिक्रिया से पहले क्या मिलता है, या क्रियाकारक, बाद में क्या मिलता है? उत्पाद यहाँ पर क्रियाकारक कितने हैं संख्या में? दो हैं, प्लस दोनों के बीच में कैसा निशान लगाओगे? का अच्छा यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है क्रियाकारक में? एक उत्पाद में कितनी है बेटा? एक बैलेंस एग नहीं है। यस सर दो, ऑक्सीजन कितने बेटा? दो उत्पाद में कितने हैं? बैलेंस एग नहीं है। ऐसा बैलेंस करने की जरूरत है क्या फिलहाल? नो सर। अच्छा अब ये बताओ इसके नीचे जो कोष्टक है, इसके नीचे कोष्टक में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो ये सी के नीचे ब्रैकेट में क्या लगा दिया? एस सोलिड हाँ इसका मतलब कार्बन की भौतिक अवस्था कैसी है यहाँ पर? सोलिड ठोस सॉलिड है ठोस अवस्था में बिल्कुल। O2 के नीचे क्या लगा दिया? गैस, ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में सी अच्छा उसी के साथ में अब बताओ CO2 के नीचे क्या लगा दिया? तो गैस, अभी कौन सी अवस्था में है? गैस में यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा नो सर। अब आप ये जो भौतिक अवस्था है उसको कहाँ लगाते हैं? इनके संकेत के नीचे लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, या पहले लगाते हैं? नीचे नीचे लगाते हैं। और अगर ठोस है तो उसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एस एस लिखोगे। और लिक्विड है तो क्या लिखोगे? एल एल लिखोगे। और गैस है तो क्या लिखोगे बेटा? जी अच्छा लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे इस प्रकार से? ठीक यस सर। है अब मैं आपको म्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? अब मेरे पास में कौन है ऑनलाइन? दीपक है क्या? दीपक यस आवाज आ रही? सर, हाँ अब बेटा मेरे साथ दो, यस सर। ठीक है। ये बताओ अपने पास में, वापस से मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूं क्या, ये बताओ सबसे पहले ये किसका निशान है? अभिक्रिया का क्रियाकारक, इससे पहले बेटा क्या होता है? इनके बाद में क्या होते हैं? उत्पाद यहाँ क्रियाकारक की संख्या कितनी है? दो, इनके बीच में कैसा निशान लगाओगे? प्लस अच्छा अब यहाँ पर बैलेंस करो थोड़ी देर के लिए। यहाँ CA कितनी बार है? सी एक बार, अच्छा उत्पाद में कितनी बार है बेटा? एक बार। एक बार। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, देखो ये आपके OH के होल ट्वाइस लिखा हुआ ना, हाँ इसका मतलब है ओ एच आपका कितनी बार है, एक बार या दो बार? दो बार, दो बार है। और दो बार ओ एच का मतलब ओ कितनी बार हो गए? दो दो बार, बार। अब क्रिया से पहले बताओ ओ कितनी बार है? दो बार, अच्छा एच बताओ कितनी बार है? दो दो बार, उत्पाद अच्छा उत्पाद में कितनी बार है? में भी दो बार है। बैलेंस है कि नहीं है? यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ CAO के नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्या है बेटा ये? सॉलिड सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड CAO की अवस्था क्या है? ठोस ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ठोस। ठोस अवस्था है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा उसी के साथ थोड़ा सा मैं और आगे रन करता हूँ, ठीक है ना? ठोस अवस्था के साथ में ही अगले पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनना मेरी बात। एक अब ये बताओ इसी के साथ में एक और लिखा मैंने, H2O के नीचे क्या लिखा बेटा? लिक्विड लिक्विड लिखा है। तो ये कौन सी अवस्था में? ये द्रवावस्था द्रव अवस्था में है। उसी के साथ में एक और नीचे अब नया चीज आई, देखो यहाँ पर ए क्यू करके उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया ना। में। यस सर। इसका मतलब है एक्वस मीडियम में। कौन सी मीडियम में है?
एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब बेटा जलीय विलयन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जलीय विलयन अवस्था में। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रासायनिक समीकरण है, जो है, ये क्या क्या बता रही है कि क्रिया कारक कौन है, उत्पाद कौन है, क्रिया कारक की भौतिक अवस्था क्या है, उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में एक चीज और बताइए मेरे को आप लोग। अब अपने पास में क्या ले रहा हूं मैं, ये बताओ कौन सी अभिक्रिया लिखी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है ये? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। कितनी दिशाओं में चलती है? दोनों दिशाओं में। दोनों दिशा का मतलब क्रिया कारक किस में बदल जाता है? उत्पाद में। किस में? उत्पाद में। उत्पाद वापस से किस बदल जाए? क्रिया कारक में। तो ये कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को एक तीर के निशान से प्रदर्शित करोगे या दो तीर के निशान से? दो तीर के निशान से। दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होंगे। एक क्लॉकवाइज या तो एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अच्छा, इससे पहले बेटा ऊपर एक निशान लगा हुआ अभिक्रिया का निशान, ये एक ही तरफ लगा हुआ या दोनों तरफ लगा हुआ है? एक तरफ। इसका मतलब है इसमें क्रिया कारक केवल किस में बदल रहा है? उत्पाद में। ठीक है, उत्पाद में। अच्छा, अब मारो होते के लिए। अब अपने पास में जो नीचे आते हैं तो आपने क्या देखा कि सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। अच्छा, मैंने आपके पास में एक स्क्रीन पर नजर आया होगा एन टू और ये लिखा मैंने, है ना? सुनो, इस को समझने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। लाहौर जी बताओ, ये बताओ सबसे पहले जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया ये किसका निशान है? अभिक्रिया का। किसका निशान है ये? अभिक्रिया का। लेकिन अभिक्रिया का कौन सी वाली अभिक्रिया का बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। कौन सी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नहीं नहीं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों दिशा में है या एक दिशा में? दोनों दिशा में। तो ये दोनों दिशा में तो उत्क्रमणीय कहलाएगा अनुत्क्रमणीय कहलाएगा? उत्क्रमणीय। ठीक है। अच्छा प्रीति, अगर मेरे पास जुड़ी हुई क्या प्रीति? प्रीति जुड़ी हुई तो सर। अच्छा बेटा, आप बोलना थोड़ी देर के लिए। ये बताओ बेटा, ये जो रिएक्शन का निशान है बेटा, बैकग्राउंड सही करो, ये जो अपने पास अभिक्रिया का जो निशान है उससे पहले क्या लिखे जाते हैं? अभिक्रिया के निशान से पहले क्या लिखे जाते हैं बेटा? अभिकारक। अभिकारक। और बेटा बाद में क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद। उत्पाद लिखे जाते हैं। यहाँ पर अभिकारक कौन कौन है ये बताओ मेरे को दिखा। एन टू प्लस थ्री एच एच टू। नहीं, आप ये बोलोगे सर एन टू और एच टू है। अभिकारक कौन है यहाँ पर? एन टू और एच टू। अच्छा, गाजन को बोले एक बार साइड में हो जाए थोड़ा सा, ना आवाज आ रही है उनकी। उसके बाद ये बताओ अपने पास उत्पाद कौन है बेटा? NH3 है। कौन है? NH3। ठीक है। अब ये क्रिया कारक तो आपका N2 है और S2 है, लेकिन क्रिया कारकों के बीच में निशान कैसे लगाओगे? प्लस या माइनस का? तुझे आवाज सर वो डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, तो आप बेटा आरती आप बोलो बेटा। क्रिया कारकों के अणु, यस सर, क्रिया कारकों के बीच में कैसे निशान लगाओगे? प्लस का। अच्छा, यहाँ पर क्रिया कारक अणु कितने हैं? एक या दो? दो। दो हैं। उत्पाद कितने हैं? एक। एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये बताओ नाइट्रोजन है, N2 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। N2 की संख्या बोलो कितनी है? N2 की, N की संख्या बोलो कितनी है? दो। दो। उत्पाद में बोलो N, N की संख्या कितनी है? दो। एक थी लेकिन उसको कितने से गुणा कर रखा है?
दो से, दो से बैलेंस होगी। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ H2 है वो कितनी बार है यहाँ पर? दो, छह बार। छह बार। और उत्पाद में कितनी बार हो गया? छह बार। बैलेंस है कि नहीं है? है। नाइट्रोजन किस अवस्था में पाया गया? उत्क्रमणीय। नहीं, किस अवस्था में पाया गया बेटा? गैस। गैस में। और हाइड्रोजन किस अवस्था में है? हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है। और हाइड्रोजन भी गैस में। अमोनिया किस अवस्था में है? गैस में। गैस अवस्था में। गैस को किस रिप्रेजेंट करोगे, एस से, एल से या फिर जी से? जी से। जी से। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी से। ठीक है बेटा, अब अगली बात सुनो। अब वापस एक रिएक्शन का निशान आपको दे। जी से सर। ठीक है बेटा, ये बताओ अपने पास में वापस रिएक्शन है? यस सर। बोर्ड पे रिएक्शन है? यस सर। ये बताओ बेटा ये किसका निशान है, ये कौन सी अभिक्रिया का निशान है? यस सर। ये अभिक्रिया का निशान कौन सा, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय बेटा। कौन सा है ये? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, कितना होता है? दोनों तरफ तीर का निशान होता है। इससे पहले वाले क्या कहलाए? पहले वाले अभिकारक और क्रियाकारक। और ये बाद वाले? उत्पाद। अच्छा, क्रियाकारक में नाइट्रोजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। नाइट्रोजन किस अवस्था में है? अमोनिया किस अवस्था? गैस अवस्था में। अमोनिया किस अवस्था में? गैस अवस्था में। अच्छा, उसी के साथ में अगला गैस अवस्था में। आप सुनो, कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है, उसके संपन्न होने के लिए कितने ताप की आवश्यकता है, कितने दाब की आवश्यकता है और किस उत्प्रेरक की आवश्यकता है? ताप, दाब, उत्प्रेरक। क्या बोल दिया मैंने? ताप, दाब, उत्प्रेरक। किसी भी अभिक्रिया के अंदर ताप, दाब, उत्प्रेरक को क्या करते हैं? अभिक्रिया के निशान के ऊपर लिखते हैं। अभिक्रिया के निशान के ऊपर या नीचे? ऊपर लिखते हैं। ऊपर या नीचे। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये कितना केल्विन ताप है? 773 मिला। यस सर। और दाब कितना मिला बेटा? 200 वायुमंडलीय। कितना मिला? 200। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है? एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एफी फेरस की उपस्थिति में। ये आपका जो भी होगा ताप, दाब, उत्प्रेरकों को रिएक्शन के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। ऊपर या नीचे, समझ गए? नीचे लिखा जाए। यस सर। ठीक है बेटा, अब आगे लास्ट पॉइंट आता है आपका, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है? उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है? अगर उष्मा शोषी है तो प्लस निशान आएगा, उष्मा शोषी है तो माइनस आएगा।